कभी भी लोगों का दिल जीतने की बात हो, खुद को इम्प्रेसिव बनाने की बात हो, तो कहा जाता है कि भाई अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन इस अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ फ्रेंड्स, अच्छी आवाज़ का भी होना जरूरी है। अब अच्छी आवाज़ से हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई अच्छी आवाज़ का मतलब है कि भाई हम गाना अच्छा गा सकते हैं, या जो भी हमारी आवाज़ सुने वो मंत्रमुग्ध हो जाए। यस, ऑफकोर्स ये एक रीज़न है, बट इसके साथ साथ अगर हम बहुत अच्छा गाना नहीं गा सकते, यानी कि अगर मैं गाना गाती हूँ तो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आवाज़ में जान नहीं है या मेरी आवाज़ शानदार नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसी आवाज को आपको बेहतरीन बनाना है और लाजवाब बनाना है, यानी कि अपनी आवाज से लोगों को इम्प्रेस करें। सो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कैसे। अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, ओम पुरी और राजा मुराद साहब, इनमें से कोई भी सिंगर नहीं है, लेकिन अगर आवाज की बात करी जाती है तो ये सारी ही आवाज कहीं ना कहीं हमें इम्प्रेस करती रही है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आ रही है, अपनी आवाज को अगर इम्प्रेसिव बनाना है तो उसकी पहली जो शर्त है कि उसको जेन्युइन बनाना है, यानी कि वो फेक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसे मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोग अपने आप को बहुत इम्प्रेसिव बनाने के लिए कहते हैं हाँ हाँ सुनिए ना, सो ये पता लग रहा है कि ये एक्ट कर रहे हैं, ये इसमें कंप्लीट बनावटीपन है। आप जैसे बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, आप नेचुरल वे रखिए। हाँ, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग, यानी कि एरिया और रीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आंचलिक असर होता है, यानी कि अगर हम पंजाब में रहते हैं तो हमारा सुर थोड़ा सा ऊंचा होता है, हम उसी वे में बात करते हैं और सुनिए, या हम यूपी में रहते हैं सो बात यह है कि उसी तरीके से हमारी आवाज होती है। अपने आप को जब रियल बनाना है फ्रेंड्स, तो आप अपने रीजन में है, आप उसी तरीके से बात करिए। हाँ, अगर आपको मास्क कवर करना है तो वहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो आंचलिक असर है वो आपकी भाषा में या आपकी आवाज में नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये भी डिपेंड करता है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं या उर्दू में बोल रहे हैं। जैसे उर्दू को कहा जाता है कि नजाकत नफासत की भाषा है, सो वहां पर क्या होता है कि हल्का सा जो नजल प्रोनंसिएशन होता है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है और अच्छा लगता भी है। बट उसी के साथ साथ जब आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हमारा जो सुर है, जो शब्द है, उनका जो उच्चारण है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में भी बात करने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ शब्दों को च्यू कर लेते हैं, यानी कि अपने मुंह के अंदर ही बोल लेते हैं और आधे शब्द बाहर निकालते हैं और वो इसको स्टाइल में समझते हैं, यानी कि आधे शब्द उनका क्लियर हो रहा है और आधा शब्द क्लियर नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ना तो ये स्टाइल है, ना ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, और ये आवाज को भी अच्छा जाहिर नहीं करा है दूसरों को। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीनों भाषाएं हैं, आपको उनको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से बोलना है, इसका ध्यान रखें। और अगर आप इन तीनों भाषाओं का एक साथ यूज कर रहे हैं सो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, किस जगह पे, किस सेंटेंस पे आपको इन शब्दों का चयन करना है। और अगर रियल में बात करी जाए फ्रेंड्स, तो हम सभी इन तीनों भाषाओं का मिक्सचर ही यूज करते हैं और अपने आप में इफेक्टिव भी लगता है। जैसे कहते हैं भाई तशरीफ लाइए, और जनाब क्या हाल चाल है, सो हमें खुद नहीं पता लगता है कि कब हम उर्दू यूज कर रहे हैं, कब हिंदी यूज कर रहे हैं और कब इंग्लिश में आ जाते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी आवाज को इफेक्टिव बनाने के लिए पिच का ध्यान रखिए, यानी कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, कब ऊपर ले जाना है, कब नीचे ले जाना है। यानी कि कई बार क्या होता है, आपने अभी मेरी आवाज़ सुनी, यानी कि कई बार ऐसा होता है, यानी कि कब आप ऊपर ले जा रहे हैं और कब आप नीचे ले जा रहे हैं, अरे सुनिए तो, इसी दो तीन वर्ड्स में मैंने कब आवाज़ को ऊपर करा और कब नीचे करा, ये जो चीज़ें होती हैं इनका खेल जरूर सीखिए। और इसको हम कैसे सीख सकते हैं, आपको कोई भी सेलिब्रिटी पसंद है, कोई भी बड़ी पर्सनालिटी पसंद है फ्रेंड्स, उनको कायदे से सुनना शुरू करिए। और इवन इसमें मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि रेडियो में कई बार बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती हैं और उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो गजब का होता है। इवन देन जब आप उनकी मूवीज़ देख रहे हैं तब आप इस अंतर को बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते हैं, लेकिन रेडियो में अगर आप उनको सुनेंगे तो वाकई आपको डिफरेंस भी पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब आवाज की बात हो रही है तो पॉजेस का ध्यान रखिएगा। जैसे हम पॉलिटिशियंस को सुनते हैं कि जब भी वो कोई भाषण दे रहे हैं सो वो क्या करते हैं, लंबे लंबे पॉजेस लेते हैं। सो फ्रेंड्स, उनका तो चल जाता है क्योंकि वो राजनीतिज्ञ हैं और वो बड़े बड़े मंच संभाल रहे हैं, लेकिन उनका भी कई बार ऑड लगता है, क्योंकि होता क्या है कि भाई अब आगे बोलो, आज की डेट में इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वहां तो हम किसी तरीके से उन नेताओं को झेल लेते हैं। बट अगर
रियल में बात करी जाए, जो लोग बहुत लंबे लंबे पॉज लेते हैं या लंबे लंबे इंटरवल्स लेते हैं, वहीं पे उनका जो इम्प्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है। अब आप इसको ऐसे भी समझिएगा कि कुछ लोग जो लंबे इंटरवल लेते हैं, उसका मतलब एक ये भी होता है कि वो जो बोल रहे हैं या जो उन्होंने बोला उसके बीच के अंतराल में वो सोचते हैं कि आगे उन्हें क्या बोलना है। सो फ्रेंड्स, ये जो लंबा पॉज है, आपको अपने सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ानी है, और उसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि भाई अगर ये लंबा पॉज लिया ना तो सामने वाला तब तक चला जाएगा। सो ये जो पॉजेस है, पॉजेस लेने जरूर है। जैसे कई बार क्या होता है, लोग कट 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 बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, सो होता है कि आधी बात तो समझ में आई और आधी बात यूं ही हवा हो जाती है। सो पॉज लीजिए, लेकिन जो पॉज होते हैं वो मिनिमम लीजिए, यानी कि कम लेने हैं। तो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि हाँ आप सही कह रहे हैं, या हाँ और बाकी सेंटेंस के बीच में मैंने हल्का सा पॉज लिया है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे पॉज आपका हल्का सा होना चाहिए और कहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो आवाज होती है उसको प्रभावशाली करने का तरीका ये होता है कि उसमें कितनी एनर्जी है। आप जितना जोश से बात करते हैं लोगों को उतना अच्छा लगता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी ये जो हल्की सी हंसी होती है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी का काम करती है और लोगों को मोटिवेट भी करती है। कई बार क्या होता है कि हम टेलीफोनिक कॉल कर रहा होता है और हमें लगता है कि कोई हमें सामने देख थोड़ी रहा है, बट वहां पर भी अगर आप हल्का सा हंस रहे हैं, सो आपकी जो हंसी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, इसकी भी अपनी एक खनक होती है और वो दूसरे तक पहुंच जाती है। सो आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में तो ये ध्यान रखना ही रखना है। द सेम वे एनर्जी का फ्लो है, भाई दूसरे तक कैसे पहुंचेगा या दूसरा कैसे जानेगा कि भाई हम जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। सो ये भी चीजें अपनी आवाज में डालनी पड़ेंगी। जैसे कई बार क्या होता है, आत्मीयता की बात होती है कि कोई हमारे लिए कितना डियर है, और भाई कैसे हो, तुझे दिल खुश हो गया। सो फ्रेंड्स, ये जो अल्फाज होते हैं, ये जो आत्मीयता और एनर्जी से भरे सेंटेंसेस होते हैं, ये हमें खुद भी अच्छे लगते हैं और दूसरे में भी पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाते हैं। एंड फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, ये जो हल्का फुल्का पेस होता है ये नहीं चलता है। कई बार हमें कमांडिंग होना पड़ता है, सो उसके लिए हमारी तेज आवाज ही चलती है, अरे भाई क्या समझ रखा है। सो यानी कि अगर इस आवाज में दम नहीं, बाकी कुछ समझते नहीं। अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई इस आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं जगहों पे इन सुर की भी जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, कई जगह हमें कमांडिंग भी होना पड़ता है, और कई बार जब रिक्वेस्टिंग मोड में होते हैं तब इस अगर लहजे में बात कर रहे हैं सो नहीं चलता। इवन जब हम दूसरों से सॉरी फील कर रहे होते हैं, ये जो आवाज का सुर है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। यानी कि लोगों को कैसे फील होगा कि वाकई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सॉरी फील कर रहे हैं, उसके लिए आपको फिर से सुर नीचा करना पड़ेगा। और इसको आप मसलन ऐसे बोल सकते हैं, रियली मैंने जो किया गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब इसको ऐसे नहीं बोल सकते, सॉरी बोल दिया ना सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुर नीचे करना पड़ेगा कि रियली आई एम फीलिंग सॉरी। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितना दिल से बोलेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे और जितना अच्छा दिल से खुद को फील करके बोलेंगे, दूसरे तक सेम चीज सेम बात पहुंच जाती है। यानी कि अगर आप वाकई जेन्युइन हैं, आप बहुत ही दिल से अच्छे हैं, लविंग हैं, सो फ्रेंड्स सेम चीजें दूसरे तक कम्युनिकेट हो जाती है। उन बातों के लिए अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी आंखें और हमारी स्माइल साथ देनी चाहिए। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कि किस तरीके से हम अपनी आवाज को प्रभावशाली बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये गॉड गिफ्टेड तो है ही है, द सेम वे ये एक लर्निंग प्रोसेस भी है और इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी स्किल्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।